टेलीकॉम टावर का मालिक कौन है? नहीं जियो से यहाँ आए हैं यहाँ ही बिके बिके कौन है कंप्लेन इन कौन है दोनों इधर हम दोनों कंप्लेन यहाँ योंगजोन टोंगडो हाँ आप बताइए आपका शिकायत को बता दीजिए चले इन लोग जो पहले में एग्रीमेंट करके रख दिया था ना वो एग्रीमेंट कागज का है एग्रीमेंट कागज है वो आपका रिलायंस है ना उसका बाद में फिर नहीं आपका पास नहीं है कागज जो मना लाचे रूपा में रह गया तो रूपा में बात करिए या क्यों करेगा नहीं नहीं ठीक है आप जो कंप्लेन देता है आपका पास कुछ कागज होना चाहिए बिना कागज का आप कैसे बात करेगा किसी को आप लोग शिकायत करता है आपका पास रुपा में कागज है तो आप रुपा में जाके बात कीजिए बताइए आप नहीं इनका पास क्या है इनका पास होने से नहीं होगा ना आपका पास नहीं है तो आप क्या बात करेगा अननेसेसरी आदमी को क्यों हरासमेंट देता है ये तो गलत बात है ना आप किसी को शिकायत करता है किसी के ऊपर में एलिगेशन लगाता है आपका पास डॉक्यूमेंट नहीं है हवा में ये तो ऐसा नहीं होता है होता है क्या आप भी तो बैंक में काम करने वाला आदमी है आप लोग बैंक में बिना कागज का पैसा देता है क्या थोड़ा कहीं में रखा हुआ था नहीं कहीं में रखा है तो पहले उसको धुलना है एग्रीमेंट तो टर्मिनेट हो गया सर नहीं टर्मिनेट हो गया उसका आपका कागज का है टर्मिनेशन लेटर का है टर्मिनेशन लेटर का है टर्मिनेशन लेटर का है आप परी है टर्मिनेशन लेटर में क्या लिखा परी है एग्रीमेंट भी परी है टर्मिनेशन भी परी है पहले आप एग्रीमेंट को पढ़िए उसके बाद टर्मिनेशन को पढ़िए
ये था टू लमजम तुम लोग बिल्डिंग ऑफिस जी तुम लोग ये एक्सटेंशन ये टनगर जे आर साहब मैडम रेफरेंस नंबर दिस लेटर इज रेफरेंस टू योर डिस्कशन ऑन आर आई टी एल सर्कल टीम बाई विच यू हैव सॉट फॉर रिमूवल ऑफ द वर्क प्लीज नोट दैट योर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस of Reliance Infrastructure Limited, the corporate debtor stands concluded by virtue of the order passed by the Honorable National Company Law Tribunal, Mumbai Branch on December 3rd, 2022, plan approved order. The approved resolution plan dated, इसमें सर वही बोल रहे थे, वो लंबा पीडिया उन्होंने कि उसको हटाने के लिए थोड़ा सा उनका लिटिगेशन जो मुझे बोल रहा है ना ये एग्रीमेंट का लीज एग्रीमेंट का भी पड़ा है दिस डीड ऑफ लीज मेट एंड एंटर इनटू ईटानगर ऑन दिस 17th डे ऑफ मार्च 2006 बिटवीन सेलिंग फ्रॉम द 46 इयर्स एडल्ट मेन इंडियन इनहेबिटेंट रेसिडेंट ऑफ दिल्ली बिहार the time building number 6 hereafter all the leisure his expression shall unless be repugnant to the context or meaning thereof include here his or here executor administrator and assigned of the one part and Reliance Telecom Limited, a company incorporated under the provision of Companies Act 1956 and have its registered office at Main Administrative Building Block number GF1, Village Mekpur, Padana, Taluka, Lalpur District, Jamnagar, Gujarat and the circle office at Police Bazar, Shillong. Meghalaya, herein after called the Lishi. This expression shall, unless it be repugnant to extent and the meaning thereof, deemed to mean and include their successor and the assigned of the other part. Whereas the leisure is his and the possess of or otherwise well and the sufficient entitled to the plot of the land together with the building standing thereon and known as the building of new installation company and laying, being and situated at affected colony and more particularly described in the schedule there under and whereas the DC has approached the lessor and has requested the lessor to give on lease an area measuring approximately 350 square meters to 400 square meter here in after the demise area on the terrace of the building known as for erection and installation of an antenna tower and BTS equipments etc. and an area and measuring approximately 125 square meter for installation of DG set required capacity in the semi-permanent structure and more particularly described in the schedule here under retained installation as agreed to give the demise area on lease on the following terms and conditions. Site name, Bangalore. Now this indemnity witnessed. नहीं मेन पॉइंट क्या है आपका जो टर्मिनेशन के लिए मेन पॉइंट क्या है मेन पॉइंट ये है उनका स्ट्रक्चर जो है मैं वहाँ में दिखाई वहाँ में आप पढ़ के बताएंगे इसमें तो नहीं था ये तो एग्रीमेंट का ही था नहीं एग्रीमेंट में तो होना चाहिए कि
हमको टर्मिनेशन कर सकता है, कैसे टर्मिनेशन कर सकता है? वो 15 इयर्स का टर्म था, 15 इयर्स का तो 2015 तो अभी क्या है, 10 इयर्स का टर्म था, 10 इयर्स हो गया है, 2015-16 में ही हो गया, हो गया। वो लाइन को पढ़ो, कहाँ में जिस लाइन में वो 15 इयर्स का आपका टाइम है, मिला है हमेशा तैयारी करके आना है। कंप्लेनेंट जो है तैयारी करके आना चाहिए कि ये हमारा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का ये पॉइंट में टर्मिनेशन हुआ है और मिल गया। आप दोनों आप रिलायंस का है, ये आपका कंप्लेनेंट है, आपका अगेंस्ट में आपको कंप्लेन दिया, आप इसको इतना मदद कर रहे हैं तो आप हटा दीजिए ना, क्यों यहाँ में चले सर? हम तो सर जियो का वो है, जो पहले जो था सबका जो एग्रीमेंट हुआ है वो सर रिलायंस के साथ हुआ था। अच्छा, तो 2022 दिसंबर वो टाइम पे सर जियो जो है रिलायंस का जो उसको मतलब उस पर लिया है, उससे पहले सर वो अलग था और सर का जो एग्रीमेंट जो हुआ था सर वो रिलायंस के साथ हुआ था। तो आप क्यों आए? अच्छा सर, मेरा नाम मैंने वो दिया था ना सर, इसका ऐसा हुआ था ये टर्म में एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम लोग अंडर में अंडर करके हमने रिक्वेस्ट किया तो बोला वो टर्मिनेट हो गया सर, उन्होंने सिर्फ वो टावर भी नहीं हटाया है और रेंट भी नहीं दे रहा है, तो एग्री किया वो लोग ने, हो गया हम लोग का, क्योंकि ये लोग तो जियो का है तो रिलायंस वाला का साथ में था, रिलायंस वाला तो अभी पिक्चर में ही नहीं है, अभी लोग टेक ओवर कर लिया, वो अलग अलग काम बात होता है ना, उसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना है, आपका पेमेंट नहीं मिल रहा है तो आप पेमेंट के लिए नहीं सर, अभी हम लोग को डिसमेंटल करना है, वो डिसमेंटल नहीं करना है, डिसमेंटल अलग चीज़ है ना, आप पेमेंट नहीं मिल रहा है ये डिसमेंटल नहीं हो रहा है, आप दो बात बोल रहे हैं ना, वो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में जाके केस करो, आपको उजरे में सारा हिसाब किताब आपको एडवोकेट ले लो, उसमें आज तक पेमेंट जो नहीं हुआ है ना वो भी आपको मिल जाएगा। अभी हमारे तो सर ये लोग एग्री भी किया है सर, जो रिटर्न पे हम लोग का तरफ से दिया है सर ऑफिस के वहाँ से, वो 31 तक का टाइम मांगा है तो सॉल्व हो गया,
वो अभी आपको कंप्लेन करने के बाद में ये लोग जो है अभी रेस्पॉन्ड किया है, नहीं तो ये लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, अब चल हो गया तो क्या करेंगे? नहीं है क्या था। उसको मतलब ऑपरेशन कराने के लिए थोड़ा हम लोग की तरफ से ट्राई किया था सर के साथ बात करके। अभी अभी जियो जो है फिर क्यों नेट क्यों खराब हो रहा है सर? अभी थोड़ा सा सर कैपेसिटी का थोड़ा इशू आ रहा है सर, उसके लिए टावर थोड़ा नया प्लानिंग हुई है सर। नहीं तो ये टावर भी रहताएगा तो अभी तो सर आपका ऑलरेडी 2022 से डाउन है सर ऑलरेडी, तो उसी को सर ऑपरेशन कराने के लिए ट्राई किया था। नहीं आपको सर्विस जो पुअर हो रहा है ये तो अलग बात है, हम ऐसे आपको बात कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक का तकलीफ है ना। जियो तो इतना अच्छा चलता था, फ्री में भी दिया था शुरू में, अभी तो अच्छा भी नहीं चलता है। सर्विस क्यों इसको इम्प्रूव नहीं कर सकता है? इम्प्रूव में सर प्लानिंग में है सर, अभी नया साइट का प्लानिंग कर टावर डिजाइन थर बदली करके अब चला सकता है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो डेंजरस मतलब वे में हम लोग बनाया है, वो हम लोग का सिर्फ कंप्लेंट है। इसलिए जब हम लोग का वो हो गया टाइम हो गया तो अभी टाइम हो गया रिन्यू नहीं करेगा। इन द मीन टाइम फिर रिलायंस वाला ने जियो को एक साथ में दे दिया उसको, क्योंकि वो लोग टेक ओवर कर लिया उसको, टेक ओवर कम्प्लीट करके हम जो बुलाए थे कि अब उसको स्ट्रक्चर को चेंज कर दो, छोटा कर दो, दूसरा दूसरा में छोटा है। अभी जियो जो है रिलायंस में है? नहीं सर, जो रिलायंस का जो पहले जो प्रॉपर्टी था टावर और जो था वो अभी जियो में सर जियो में है। तो आप ऐसे सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग आप इम्प्रूव करने का जगह में इसको आप हटाने का ही प्लान किया? नहीं ये है ना, तो हम लोग को तो सर्विस चाहिए ना सर। ये क्या नाम है, एक लेटर था आया था पहले रिलायंस की तरफ से, जो भी एसेट्स है वहाँ का सब जियो को ट्रांसफर करेगा बोल के। लेकिन सर वहाँ जो पुराना वाला स्ट्रक्चर जो है सर 3+1 के ऊपर में बहुत बड़ा वाला टावर बना हुआ है पहले का, इसी चीज को तो बोल रहे हैं ना। उसका साथ में जब ट्रांसफर होने के बाद भी जियो वो प्रॉपर्टी को टेक ओवर नहीं करके जियो का तरफ से दूसरा वो लाइट टावर जो अभी बैठता है वो भी बैठाया हुआ, तो एक का जगह में हटाने की जगह में डबल आ गया, वो भी एक चीज है सर। हाँ नहीं आप जो बता रहे हो तो सही है, हम लोग को तो सर्विस चाहिए ना, अच्छा सर्विस चाहिए। तो आप लगाया बोल रहे हैं ना, ये पुराना है आप नया लाइट लगाया बोला है केस तो खत्म हो गया, लेकिन केस है ही नहीं है, आप पाती कर लिया तो भी ठीक है। लेकिन उनका एक अच्छा बात जो बोला है कि उसका ये शिकायत ये नहीं कि नहीं रखना है, रखो लेकिन स्ट्रक्चर और डिजाइन थोड़ा इम्प्रूव करके रखो, ये बोल रहे। तो हम तो हमारा जनरल पब्लिक के लिए इंटरेस्ट के लिए कि वो चीज़ क्यों नहीं करता है, वे पूछ रहे कि उसको करना चाहिए क्योंकि आपका सर्विस पहले से खराब हो रहा है। हाँ तो इसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए आप लोग भी सरकारी नौकरी जैसे है ना, हम लोग अभी हम संडे है आज समय नहीं, संडे में भी हम लोग अभी भी ये काम करता है, हम तो गवर्नमेंट का नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर लोग भी ऐसे होता है, मंडे टू फ्राइडे भी ऑफिस नहीं आता है, बराबर ऑफिसर लोग भी नहीं आता है। तो आपको तो ऐसे नहीं करना है ना, आपका कंपनी का आदमी है ना, आपका कंपनी तो ठीक से चलने से तो अच्छा है कि नहीं? वो सर ट्राई किया था शायद पतला के लिए, शायद कुछ
इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ डेवलपमेंट का कुछ दो ऑप्शन दिया सर। नंबर वन, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बदली करके आप वो कीजिए, क्योंकि ये जो अभी स्ट्रक्चर है स्ट्रेट टू दी लाइफ अच्छा हो रहा है। उसके बाद में अगर आप करेगा तो कर दीजिए, अगर यही रहेगा बोलने से आप उसको डिसमेंटल करो। देट वॉज अवर ऑफर। नहीं, यही चीज को बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। आदमी लोग बोलते हैं ना, बीवी हो बच्चा हो, अभी मेरा बच्चा को बोलेगा तेरा हाथ को दबा दो बोले, या चूल सफेद निकाल दो बोले, पैसा दो। बीवी बच्चा भी ऐसा होता है। तो आज का दिन में आपको कोई भी काम को ना आप इस साइकोलॉजी इस सिचुएशन में कंपनी का आदमी आप बोलेगा, कंपनी वाला वो आपका हेड को बोलेगा ऐसे करने स्टिक है, वो ध्यान नहीं देगा तो अरे छोड़ो क्या करेगा, हम लोग तोड़ी ना जाते हैं, मेरा दरमा मिलने से हो जाएगा। 99.9% ऐसे सोचता है। आज हमारा जो सरकार का सिस्टम है वो इसका वजह से पैसा का कमी नहीं होता है, आदमी का कमी नहीं होता है, लेकिन ये सोच का कमी का कारण से सड़क ठीक नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हेल्थ सेक्टर ठीक नहीं है। सरकार है ना सरकार, इसलिए आदमी सरकार नौकरी ढूंढता है, क्योंकि उसमें पक्की बस मारने का मौका मिलता है। लेकिन आपको तो ऐसे नहीं करना है, आपको प्रेशर देना होगा उसको, आपका हेड को ना, नहीं ये लगाना ही होगा, ये आपका कुछ कवरेज होता होगा उसी से। हाँ सर, तो इस मेरा जो कस्टमर ये एरिया का तकलीफ हो जाएगा, इसको जैसे भी लगाना है, फिर नया प्रॉपर्टी ढूंढने से नहीं मिलेगा। नहीं आप इंटरेस्ट नहीं तो क्यों किसे मिलेगा? आपको उन लोगों को पकड़ना होता है ना। आप बता रहे ना, आदमी जो है अपना बीवी बच्चा लोग भी पैसा नहीं देने से मानता नहीं है, ऐसे होता है ना। आपको प्रेशर डालना है, ये करना है, वो करके ये काम करना है, और आप आदमी लोग हमको क्या मिलेगा? यही आदमी लोग का आज का जो समाज का, इवन जैसे हम डीसी है, मेरा काम है, आदमी लोग सोचता है कि वो ये आईएलपी सिर्फ देना है। डीसी जो है, जो भी डीसी आता है वो सोचता है कि ऑफिस में बैठ बैठ के कोई एप्लीकेशन आया वो उसको ये करते रहना है, सिर्फ उसको ये करना है, ऐसे नहीं होता। डीसी डिस्ट्रिक्ट का हर चीज़ का वो देखभाल करना होता है, सिर्फ आईएलपी देना, ट्रेडिंग लाइसेंस देना, ऐसे एसटी देना वो सिर्फ नहीं होता है। आपका यह हेल्प से होगा, नेटवर्क ठीक है। अभी हम फटाफट धनाधन अभी हमें 3-4 ऑर्डर बनाया, कॉपी टू सीएम, कॉपी टू सीएस, कॉपी टू दिल्ली, धनाधन हम लोग अभी भेज रहे हैं। तो आपका नेट ठीक नहीं होने से अभी यहाँ भी नेट ठीक नहीं होता है, हम लोग इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग आजकल यहाँ से होता है, नेट ठीक नहीं होता है। आप हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो आप महसूस नहीं करते ना। तो इतना दिन से ये प्रॉब्लम को लेके आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना। हम सर आपको मतलब जितना वैसा अपडेट थे कि वैसा पोल वाला के लिए बात हुआ था, जो जगह है उसको भी वो लोग उनका एम्बियंस जो है पूरा कचरा कर दिया, कोई सिक्योरिटी नहीं है, बच्चा लोग आके वहाँ में डर पीता है, शाम को ड्रग्स पीता है, वो ड्रग्स वाला आता है, ये भी एक तो हमने बिल्डिंग में मैनेज हो रखा है। आपका हम लोग बोलता है कि उसका अच्छा से वो करके बनाने में पूरा जो उसका जो ये सीमेंट का जो मसला है वो घर के ऊपर में ही छोड़ दिया, अभी वहीं में सेट हो गया, ये सब बर्बाद करके रखा है। ये सब सॉल्व करो सर, तो अभी इस डेमोलिश हटाना है हटाना है, लेकिन अब नया जो लाइट वेट वाला प्रॉपर स्ट्रक्चर का साथ में बनाने के लिए बात कीजिए, तो आपका जो कंपनी का जहाँ में हेड है और हमारा गवर्नमेंट का साइड से बात करना है तो बात कराएगा, और हमको चिट्ठी लिखो बोलने से हम चिट्ठी भी लिख देगा। बोल दिया तो अभी नहीं सर, तो बोल दिया तो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप ऐसे हम
इसलिए ना हमको कोर्ट में भी मेरा बहुत केस है ऐसे हमारे अगेंस्ट में ना रिकॉर्ड करता है बोल के अभी सर बोला वोला को पूरा दुनिया देख रहा है ये तो हम तो पूरा लाइव वीडियो चलाते हैं अब क्या बोला ये क्या बोला हम क्या बोला है सब सुन रहे हैं अभी सर वो साइट में जाके एक बार इनके साथ में साइट में अभी जाएगा अभी जाओ अभी जाओ वहां देखिए क्या इश्यूज है इसको क्योंकि ये भी बताया प्रैक्टिकली दिखा देगा क्या क्या है और वहां में एक प्रॉपर लोकेशन जहां में हम लोग भी फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए कंस्ट्रक्शन ना हो आगे से प्रॉब्लम ना हो ऐसे कोई जगह में ऐसे होना है सर ऑलरेडी एक खड़ा है जो जैसे घर में बिल्डिंग का जो स्टेयरवे होता है स्टेयरवे का जो है वहां में एक खड़ा है रिलायंस रिलायंस का ऐसा है देखो जरूरी नहीं होने से तो आप भी मत लगाओ अगर जरूरी है तो सर तो बोल दिया ना उनका इशू अभी जितना बताया एक है कि गंदा संदा ये सब है जहाँ तक ड्रग्स का बात है वो हम मालूम हो गया ड्रग्स वाला उधर जाने नहीं देगा एक्चुअली ये लोग वहाँ पे गंगा में वो उस पर एस पी ऑफिस का नीचे में सारा वो प्रोस्टिट्यूट और ड्रग लोग पहले था हम वहाँ से भगा दिया भगाने का बाद अभी वो सेक्टर में और ये सार लोग का जो एरिया में अभी करा है रात 12-1 बजे में वहाँ में करा होता है और कोई बुरा हो जवान हो स्कॉर्पियो हो वो लोग को रुकाता है वहाँ से फिर चलता है तो ये बात हम मालूम है लेकिन हमको ये मालूम नहीं कि आपका वो टावर में बैठ के वो लोग इंतज़ार करते हैं चढ़ जाता है सीढ़ी है खाली है अब सीढ़ी लॉक नहीं होता है हम लोग लॉक करने के लिए बना के रखा है लेकिन होता नहीं सर ये साइड वाला बिल्डिंग से बिल्डिंग से आ जाता है साइड वाला बिल्डिंग से चंपा के स्टॉप से भी स्टॉप से भी आता है होगा ठीक है हम तो अभी आईजी पार्क को तो अभी सब भगा रहे रात को मजिस्ट्रेट पुलिस हमारा घूमता है इधर और ये सब को भी अभी हम लोग काफ़ी मीटिंग भी हो गया ड्रग्स ये ऐसे इशूज को लेके उसको भी आस्ते आस्ते करके सिपाही नहीं होता है ना तो अभी पब्लिक भी साथ देगा तब तो हम इसको बंद कर सकता है तो वो इतना इशू नहीं है इशू जो है आप स्ट्रक्चर को सर जैसे बोलते हैं क्योंकि सेफ्टी इम्पोर्टेंट है तो उसको आप थोड़ा देख दीजिए और उसको कोरोना को आता के नया लगाइए सर का तो हम रिपोर्ट कर लिए और उसको कोई इशू नहीं सेफ्टी फर्स्ट ना तो हम लोग को सर्विस चाहिए ना आपको टावर जहाँ था फिर आदमी कितना ढूंढते रहेगा मिलेगा नहीं सर वो एरिया में थोड़ा बिल्डिंग है ना तो मिलने में बहुत मुश्किल होगा वही है ना जो मिला है सर बोल दिया ना वो तो इशू नहीं सेफ्टी चाहिए तो बताओ पता दो तो आज का डिस्कशन में ये हुआ कि आप अभी अपीयर ना सो एंड सो अपीयर एंड दी कंप्लेनिंग अपीयर में बाद में लिख लो एंड द कंप्लेनिंग and the respondent niche mein the complainant and the complainant and the respondent informed that they have already settled the issue outside the court एक्चुअली सर वो आपका जो लेटर लिखा है उसका एक कॉपी हमको इंडोर्स किया है इन द कॉपी आपको बोल रहे हैं कि वी विल रिमूव इट बाय 31st ओके रेस्पोंडेंट पार्टी कहाँ देखेगा the respondent party intimated by letter number dated itna by the letter number mail dated 15 September 2014
बाय लेटर नंबर ने डेटेड डेट लगा आज ये 5 सितंबर that they will remove the dismantle the structure and also they will dismantle the structure and also after removing the materials comma delivery of the vacant position. Vacant position to the landowner within 31st October 2024. 2024, full stop. Next para. It is also pertinent to mention that the landowner, the landlord, has agreed to provide the space if the company, satisfies her with terms and conditions such as erection of proper safety structure in the same location. In near future. In the light of above, the case has been closed. With a direction to the responding party to remove the present structure. Remove the present structure within 31st October 2024. कॉपी हम रख रहे हैं ना. हाँ सर. तो सर जैसे बोले आपका इसको भी जरूरत होने से हम भी लिख देंगे कंपनी के आदमी को. हमारा जो बेनिफिशरी या जो भी ये होता है उसका इंटरेस्ट के लिए ना, तो सेफ्टी स्टार सेफ जो होगा स्ट्रक्चर जो सेफ होगा उसको ब्रेक करने के लिए. नहीं अगर आपको लगता है कि आसपास का जो ये तो सब्जेक्ट में है ही नहीं है तभी भी लिख दिया कि सर ने बोला है. हाँ लिख दिया सर. रिटन डॉक्यूमेंट बनी रहे एक वर्ड यूज करना है. वो सेफ्टी की वाला जो लिखा था एक टर्म्स एंड कंडीशंस सेफ्टी अनदर में और एक एंड विदाउट हैम्परिंग फीचर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन. अगर वो हमें कुछ बनाना चाहते हैं मतलब इट शुड नॉट कम इन दैट फ्लोर स्पेस एरिया में मतलब डिस्टर्ब नहीं होना टाइप्स.
फ्यूचर स्कोप ऑफ द एक्सपेंशन कुछ भी हो, टीना लगाओ कुछ भी लगाओ, सेफ्टी स्ट्रक्चर्स जब तक आप दोनों एक फिर से टर्म्स में आएगा तो प्रेस आप लोग प्रेस टर्म्स एंड कंडीशन ले लेगा उसी में आप डाल दीजिए तो सर अगर एग्री है तो सर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको देगा, आपको भी देगा, अगर डिस एग्री होता है तो फिर नहीं लगेगा मजबूर आपको करना पड़ेगा तो म्यूचुअल में ऐसा करके कुछ हमारे में हम पर ना हो आपको भी ना हो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को हमें बहुत आपका जो हम इक्विपमेंट रूम है ना रूम इज यूज फॉर ये है मैक्सिमम केस में क्या होता है कि आपको एक चौकीदार देता है कंपनी का, तो हमारा जैसे हम लोग तो अभी रिलेटिव्स लोग का देखा है वहाँ में टावर का साथ में जनरेटर होता है, जनरेटर को ऑफ ऑन करने वाला चौकीदार करने वाला ये सब होता है, तो उसमें चौकीदार का पेमेंट भी मिलता है लैंड ओनर को।